विदर्भ काशी कहे जाने वाले भंडारा जिले के पवनी कस्बे में ऐतिहासिक पवन राजा परकोट किले में सोमवार 8 नवंबर को दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर किले पर 5101 दिए जलाकर दीपावली मनाई गई। पवन नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। इस ऐतिहासिक शहर में राजा, संत, कवि और साथ ही बुद्ध भिक्षु स्वतंत्रता सेनानी बने, जिसने इस शहर को पवित्र किया। पवनी शहर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। जैसे काशी के प्रसिद्ध शहर में आप नदी घाट मंदिर जैसे कई आध्यात्मिक स्थान देख सकते हैं, वैसे ही इस हवादार शहर में ऐतिहासिक घाट, इंगल स्तंभ, ऐतिहासिक मंदिर, प्रसिद्ध किला, बुद्ध का पवित्र स्थान के साथ साथ कई ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। पिछले कुछ दशकों में पीछे मुड़कर देखें तो ऐतिहासिक शहर पवनी पर्यटन के मामले में ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। इसलिए इतनी बड़ी ऐतिहासिक संपदा हासिल करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि पवन नगर पर्यटन विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। शिव सारथी समूह पिछले साल से पवन राजा परकोट किले में भव्य दीपोत्सव समारोह, शहर में इन जीवित ऐतिहासिक साक्ष्य को पोषित करने, पवनी शहर में पर्यटन को बढ़ाने, शहर के ऐतिहासिक वैभव को दुनिया के सामने लाने और रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मना रहा है। स्थानीय लोगों के लिए अवसर, पवनी शहर के ऐतिहासिक गौरव को दुनिया के सामने लाने के लिए कई छात्र एक साथ आ रहे हैं। इस वर्ष दीपोत्सव समारोह के अवसर पर पवन राजा परकोट किले में सोमवार 8 नवंबर को 5101 दीपों की दिवाली मनाई जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न इतिहास बढ़ाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। फोर्ट बल प्रतियोगिता मुख्य रूप से छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। इन प्रतियोगिताओं एवं दीपोत्सव 16/2021 के अवसर पर शिव सारथी समूह की ओर से अपील की गई है कि स्थान पर अधिक से अधिक संख्या में नगरवासी एवं जिले की समस्त नागरिक निवास करें। इस दीपोत्सव समारोह के अवसर पर 5101 दीपों की दीपावली मनाई जाएगी। ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित दीपोत्सव पवन नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करेगा। इसलिए स्थानीय पर्यटन को बढ़ाना होगा। इससे शहर में पर्यटन संबंधी रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। BCN न्यूज के लिए पवनी से राजेश यलसट्टीवार के साथ प्रदीप गाड़गे की रिपोर्ट।